मामा, हाँ मामा बोले पे घसक रहे, मामा मामा भाग गया। तो भाई हम लोग NIT पहुंच चुके हैं, देखिए आप लोग का यहाँ पे नजारा दिखाते हैं कि मैया, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे लड़के ना लड़कियाँ ना आने लगी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग है फिर से पटना NIT घाट। अभी हम उस जगह पे हैं जहाँ पे पिछली बार आए थे तो बहुत ज्यादा पानी सब भरा हुआ था, देख रहे हैं। और आज हम लोग 4-5 लौंडा है साथ में। अरे ये तो गूंज गया। ए बाबा, आज बाबा है हमारे साथ जो बड़ा बड़ा मतलब तीखा मिर्चा है। ये देखिए, ये बाबा का चाल एकदम लड़की हो जैसा है। ओए बाबा, बाबा यार कमर ऐसे मत लचका कीजिए, हाय कर दीजिए मेरे लोगों को। ब्रजेश भैया हाय कर दीजिए। ये देखिए, ये आज का ग्रुप ये है, हम लोग साथ में आज NIT जा रहे हैं। जानते हैं बाबा, इस जगह पे जांग भर पानी था, पैंटो खोल देते आइयो भीग जाते हैं। ओके मैया, जब फिसल रहा है पैर हो। तो भाई हम लोग NIT पहुंच चुके हैं, देखिए आप लोग का यहाँ पे नजारा दिखाते हैं कि मैया, ये कितना खतरनाक जगह। इधर तो ठीक है, उधर बड़ा खराब था, ये सब पानी का ही मिट्टी है जी। बाबा आइए, अब बहुत अच्छा नजारा दिखता हुआ यहाँ पे NIT घाट का। पानी कम हो गया है बाबा, पानी कम हो गया है, चल गया है बनियान के नीचे, मतलब पोजीशन से नीचे जा चुका है। हाँ हो, यही तो है, इसी को शायद कहते हैं। आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे होंगे कि इस जगह पे इतना पानी था, इतना, ये देखिए इतना पानी था, और अब पानी घट के कहाँ जा चुका है देखिए। तो अब आ सकते हैं घूमने, ये सब जितना बैठने वाला है ना ये सब डूब चुका था। देखिए ये पानी का निशान देखिए, इतना तक पानी रहता था, इतना तक पानी आया था, ये पूरा डूब चुका था। इस सब पे पानी आ गया था ना, ये सिर्फ ऊंचा वाला बचा हुआ था ना। तो गाइस ये देखिए, यहाँ तक पानी आया हुआ था, ये जो मिट्टी आप लोग देख रहे हैं यहाँ तक पानी था, और ये पूरा डूब गया था। ये जितना आप लोग देख रहे हैं नजारा सब डूब चुका था। हाँ कहाँ, फिर से सांप है। अगे मैया, फिर से सांप। ये काम हुर किधर कर रहे हैं, हट चल निकल भाग। चाचा मामा भाग, हाँ मामा बोले पे घसक रहे, मामा मामा भाग गया। ये देखिए, ये इस पे कितना अच्छा मिट्टी का आ गया है, अच्छा नहीं बुराई कहेंगे, क्योंकि पहले तो ये था लेकिन अब इस पे इतना मोटा है। ये देखिए बहुत ज़्यादा मोटा पानी है, बहुत ज़्यादा मोटा, बहुत ही ज़्यादा मोटा मिट्टी आ चुका है इस पे पूरा, ये देख लीजिए। और इतना ज़्यादा पानी आया था कि आप लोगों को मैं जो कुछ दिखा रहा हूँ उससे अंदाज़ा आप लोग लगा लीजिए, आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा पानी आया हुआ था। ये देखिए, ये जो है NIT घाट का, ये हम लोग जो देख रहे हैं ये डूब चुका था, इतना पूरा इतना पानी था। और अभी भी इसके साइड में देख लीजिए, अभी भी पानी है, तो इसका क्या हाल रहा होगा। ये देखिए अभी NIT घाट में अभी इतना पानी है ही, तो इसका क्या हाल रहा होगा, क्योंकि ये तो अभी तक इस एरिया में अभी तक पूरा डूबा हुआ है, और इधर पानी कम हो गया है। तो अभी इधर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि अभी इधर कितना पानी है कि नहीं है, और कैसे कैसे लोग हैं, और कहाँ है, कैसे क्या क्या है। हाय पटना वासियों, अगर आप NIT घाट आना चाहते हैं तो अब आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा पानी हट चुका है, और घूम सकते हैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्त यार के साथ, अपने भाई बहन के साथ, सबके साथ घूम सकते हैं, जैसे कि हम लोग घूम रहे हैं। क्या बाबा, नमस्कार प्रणाम, हर हर महादेव, कैसे आप सब, और कैसे आप सब, सब बढ़िया है, और अभी घूम सकते हैं यहाँ पे बाबा, पूरा फ्री चल रहा है, पूरा फ्री चल रहा है, पापा का यार बना हुआ है यहाँ पे, नो टेंशन, मजा लीजिए। तो अभी पटना में पानी इतना है NIT घाट के पास, और ये है नापने वाला पानी, नापने वाला ही है ना भैया, तो यहाँ तक पानी आ चुका था, ये देख सकते हैं आप लोग निशान, यहाँ तक आ चुका था, और यहाँ तक आता तो क्या होता, खतरा मंद रहता, हो जाता। हाँ पटना बच गया, सिर्फ इतना का फर्क है, देख लीजिए ये जितना जो बैठने वाला दिख रहा है ये सब डूब चुका था, अभी भी देखिए कितना किनारे में पानी है। कैसे है, तो दो गो दीजिए, बढ़िया। क्या देखे इसमें, देखिए क्या है, हाँ बढ़िया है, गोरा में जा,
बहुत अभी गर्म है यार, जल गया हाथ मेरा। सब नमक डालने से चाची बहुत टेस्टी हो जाएगा ना। पहले नमक, इसमें नींबू पहले मले, फिर नमक, फिर मिर्चा। तो हम लोग फाइनली ये भुट्टा ले चुके हैं, मकई, इसको खाएंगे अब। कहीं बैठते हैं, इसको खाते हैं, फिर ब्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह पे इतना पानी था और पानी अब कम हो चुका है। तो अभी हम जिस जगह पे चल रहे हैं, इसी जगह पे पिछली बार के ब्लॉग में मैं था, उस समय जब एक बच्चा लोग क्रिकेट खेल रहा था या फिर मैं, घुटने से ऊपर तक पानी था। और इस जगह पे बोरा लगाया हुआ था जिस पे मैं खड़ा था, बैठा था, और इस जगह पे पूरा पानी भरा हुआ था, जो कि अब पानी यहाँ से कम हो चुका है। पहले पानी इस जगह पे इतना था, देख लीजिए, और अब पानी उतना नीचे जा चुका है। पहले इसी जगह पे तुम जाओ ना, तुम्हारे घुटने से ऊपर पानी था इस जगह पे, तुम्हारा जो फोन है वहां तक, तुम्हारा जो हाथ में राखी बंधा हुआ है वहां तक पानी था। और इसी जगह पे सब लोग अपना मस्ती कर रहा था, पानी यहां से शुरू हो चुका था। तो यही वो जगह है, तो यहां पे सारा पानी साफ हो चुका है, आप लोग आ सकते हैं घूमने, मस्ती कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो यहां पे सब लोग यहां पे अब आने लगा है, घूमने लगा है, इंजॉय करने लगा है, मस्ती करने लगा है। तो आप भी आ सकते हैं, घूम सकते हैं, क्योंकि पानी खत्म हो चुका है, अब कोई खतरे की बात नहीं है। देखिए दोस्तों, पानी इतना तक था, इतना तक आ चुका था, अब पानी ये घट चुका है, पूरा पानी नीचे जा चुका है। ये देखो भाई, कोई मछली फंसाने के लिए, मछली मारने के लिए ये लगा चुका है, और इस रास्ते से गया हुआ है ये जो है, ऐसे ऐसे ऐसे, और जा करके इसमें से मछली निकालता होगा और खाता होगा, उसको सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, इस जगह पे भी वहाँ तक पानी जा चुका था, तो सारा पानी घट चुका है। अब यहाँ पे भैंसियों को नहलाते हुए, बिहार का नाम ऊंचा करते हुए, और कितना लोग है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। सो हम लोग अभी यहाँ पे NIT घाट पे मजा ले रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बहुत सारा मस्ती कर रहे हैं हम लोग, सब कोई दोस्त सेल्फी ले रही है। देखिए ये बाबा ब्रजेश भैया सेल्फी ले रहे हैं, मजा आ रहा है भैया, हरियाली दिख रहा है, मतलब घास भूसा, पेड़ पौधा। आज रक्षाबंधन है ना, तो लोग बहुत कम आया हुआ है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रहा है ना। ये रवि, हम लोग यहाँ पे मजा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सो आप भी आ सकते हैं। ये देखिए लोग यहाँ पे घूमते फिरते हुए, और ये बाबा और ब्रजेश भैया सेल्फी लेते हुए, और धीरे धीरे अपने सेल्फी के तरफ ब्यूटी मूड करते हुए और एक्सप्रेशन को पोज देते हुए, और ये अगल बगल में कोई देखते हुए, कोई आना जाए सेल्फी में, और ये रहा किचिक हो गया, और बाउंड्री लाइन का पहाड़ बहुत बढ़िया, 6 बाबा बहुत बढ़िया छक्का था, एकदम आप छक्के हो गए बाबा को बोले कि एकदम छक्के हो गए, तो बाबा दिल पे ले लिया। बाबा दिल पे नहीं लेना है, एकदम सच में दिले पे लेना है, हाँ, और मान लेना है खुद को कि आप जो देखने वाले भी जानते हैं कि ये सब पहचान छक्का है नहीं। अरे मतलब सेल्फी का 6 हो गया, मतलब बाउंड्री लाइन के पार छक्के हो गए, मजे ले रहे हैं, जो आपने सेल्फी लिया वो छक्का हो गया, ये मैंने कहा। अभी बाबा गजब है, हमको ऐसे कोई, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। टाटा बाय, सबको लव यू। ओ चचा, कितना भैंस को नहलाओगे भाई, अब तो रहने दो। जैसे कि अपना भैंसी नहला रहे हैं, आप भी अपना भैंसिया नहला सकते हैं, या अपने अपनी गर्लफ्रेंड को नहला सकते हैं। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का बारिश होने लगा है, तो हम लोग अब यहाँ से थोड़ा सा निकला जाए क्या बाबा, निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होने लगा है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे लड़के ना लड़कियाँ ना आने लगी है, और फैमिली तो बहुत ज्यादा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो चुका है, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। चलिए बाबा, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और हाँ, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच माई वॉचिंग वीडियो, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में।